want. This ain't what you want now. This ain't what you want. Who alive can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames, I whip it up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. भाइयों तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। तो भाई आज हम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा कार रिलेटेड यूट्यूब चैनल है। तो भाई आज हम कार के बारे में बात ना करके एक ऐसी बाइक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि भाई इसको हमारे भाई जो मतलब इसके ओनर हैं उन्होंने इसको नाम दिया है व्हीली। तो भाई ये KTM की ड्यूक आती है 250cc। ये मोस्टली स्टंट बाइक, मतलब स्टंट वाले लोग ही इसको ख़रीदते हैं, क्योंकि मेन चीज़ क्या है ना, इसमें ये होती है रेसर बाइकें जो कि सिर्फ स्टंट के लिए यूज़ की जाती हैं। और भाई अभी बात करते हैं इस बाइक के ओनर से कि भाई उनका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बाइक को लेके अभी तक का। तो भाई चलिए, बात सामने खड़े हैं मनमोहन भाई जो कि ताहरपुर के रहने वाले हैं और इन्हीं की बाइक है जिसको इन्होंने व्हीली नाम दिया है। भाई तो भाई अभी तक का आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा इस बाइक के साथ? भाई अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो ज़्यादातर मैंने देखा है, जो मैं ग्राम थाहपुर का रहने वाला हूं और ये हमारे यूपी में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट शाजापुर जिला का है, खुदागंज के पास में। हाँ। 4 किलोमीटर पड़ता है। भाई अगर हम बात करें तो ये मेरी जो है बहुत ड्रीम बाइक है। और हालांकि अगर बात करें तो ये बाइक जो है ज़्यादातर नई युवा जो पीढ़ी है हमारी, बात करें जैसे हम लोगों की, तो ये बाइक जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा ड्रीम बाइक है। उनके एक सपना है कि उनके पास भी एक KTM बाइक हो। हालांकि KTM की जो एक ब्रांड है वो एक केवल नाम से ही जानी जाती है। जैसा हालांकि लोग देखते हैं जैसे 125 आती है, 100 और 200 आती है, 250 आती है एंड 390 की 390 भी आती है। हाँ, हाँ। तो अगर बात करें तो यहाँ पे हम इसलिए इसको बाइक लेके आए हैं। आज हम सारे फीचर आपको इसमें बता देंगे। हाँ। क्योंकि ये बाइक मैंने हालांकि 200 क्यों नहीं ली, ये पूरे फीचर में बताने वाला हूँ। अगर इसकी बात करें तो भाई इसमें हम आपको क्या बताएं, जो आप चाहे वो आप, मैं इसको पूरी फीचर्स आपको एक एक करके मैं बता सकता हूँ। हाँ। और भाई अगर किसी को बाद में इसके बारे में कोई भी नॉलेज लेनी हो कि आपने कहाँ से खरीदी, कैसा क्या प्राइस पड़ा, वो तो सब आप वो पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। ये मिनिमम अगर बात करें पैसों की तो ये हमें ऑन रोड कम्प्लीट पड़ी है 2,68,000 की। 2,68,000 कैश में बिल्कुल। अगर फाइनेंस करवाने चाहो आप तो फाइनेंस में अगर बात करें तो फाइनेंस बहुत ज्यादा हाई पड़ेगा। मिनिमम आप मान के चलो अगर नॉर्मल भी आप किस्त करवाते हो तब भी आप कम से कम 1 लाख रुपए ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा भाई अगर हम बात करें तो। अगर जैसे आप कम 2 ईयर 3 में करवाते हो। हाँ। तो 1 लाख के लमसम में ऊपर चला जाएगा। अच्छा अच्छा, ये तो मतलब अगर हम बात करें ऑन रोड की तो भाई भगाने की तो बात ही नहीं कर सकते कि भगाने में वो तो है ही, आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। बाइक के ऊपर कम और राइडर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है हमेशा। हालांकि कुछ लोगों को मैंने देखा है वो केवल बाइक अपनी शौक के लिए ले रहे हैं, लेकिन भाई मेरा जो है चैनल खुद का है तो मैं उस पे जो अपनी वीडियो शूट करता हूँ उस पे ही। हाँ, उसका भी लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। कोई भी नहीं भाई, आप दे देना, कोई बात नहीं है। भाई का चैनल जो हमारा है आप यहाँ बिल्कुल भाई सही बात है, आप जो चाहे वो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। जैसे कि आप अभी मतलब हमारे सामने एक स्टंट बाइक खड़ी हुई, तो इसमें कुछ मतलब नॉर्मल बाइक से डिफरेंट फीचर्स भी आते होंगे, जैसे इसका ABS हो गया, ब्रेक्स हो गए कुछ। भाई अगर ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे हम आपको पास से बिल्कुल दिखाने वाले हैं। हाँ जी भाई, यहाँ पे जो इसका ब्रेकिंग सिस्टम आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि हालांकि जो हमारी डेस्क की बाइक आती हैं उनमें इतना हाई नहीं होता है। बट अगर यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS सिस्टम पूरे दोनों पहियों मिल जाता है। ये आगे का हो गया, यहाँ पे पीछे की ओर आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो पीछे का हिस्सा है यहाँ पे फुल आपको दिख रहा है और यहाँ पे जो है एक जो है ABS सिस्टम पूरा लगा हुआ है। हाँ। अगर आप ये जो काफी टाइम ऐसा होता है कि हम लोग स्टंट करते हैं तो उतने टाइम पे ये चीज जो है बंद हो जाती है, तो उसमें लिख के आ जाता है ABS फेल। हालांकि इस बाइक की सबसे बड़ी खूबी अगर बात करें तो अगर कोई भी इंजन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये बाइक जो है ऑटोमेटिक ऊपर जो है लाइट जो है वहाँ पे शो कर देती है, यहाँ पे वार्निंग लाइट्स आती होंगी। ये चीज जो है ऊपर है। उसके बाद में अगर हम इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो अभी तो मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं करवाई है क्योंकि हालांकि मुझे 15 दिन बाइक लिए हुए हैं। अच्छा। और अगर टॉप स्पीड की बात करें अभी मैंने 130 केवल भगाई है, इसके ऊपर नहीं भगाई क्योंकि हालांकि जब मैं बाइक की सर्विस करवा लूंगा उसके बाद में टॉप स्पीड के बारे में आपको पूरी नॉलेज मैं दे दूंगा। अच्छा, तो भाई जैसे इसमें मतलब आपने अभी बताया था कि जब हम आगे वाले मतलब इसमें होता है ना कि नई बाइकें आ रही हैं उनमें अगर हम एक ब्रेक लेते ना आगे वाला तो उसके साथ पीछे का भी ब्रेक लगता है। वही तो आपके लिए बताया यहाँ पे क्योंकि जो डुअल चैनल ABS है वो फुल कंफर्ट है आपके लिए। आगे जैसे कुछ लोग होते हैं जो नहीं चलाना जानते हैं बाइक के बारे में, या मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोगों की जो अपाची बाइक है या पल्सर है उनमें क्या आता है केवल ABS आता है मगर डुअल चैनल ABS नहीं आता। जैसे हालांकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी बाइक है हम फास्ट में एकदम से हड़बड़ा के एकदम से बाइक को हमने ब्रेक कंट्रोल कर लिया, आगे वाला लगा दिया तो बाइक हमारी पीछे से उठ के गिर जाती है या पीछे वाला लगा दिया तो बाइक का पहिया जो है फिसल जाता है। ऐसा कोई भी नहीं है क्योंकि फुल ये मॉडिफाइड बाइक है, फुल स्टैंड के लिए बाइक है। आप अगर आगे वाला ब्रेक लगा दो तब भी पीछे वाला लगेगा और पीछे वाला अगर लगा दो तब भी आगे वाला ही लगेगा। अच्छा, आपकी बाइक जो है बिल्कुल भी फिसलेगी, मतलब स्टेबल रहती है एक तरह से, बिल्कुल फुल आपके लिए। अच्छा जी, तो भाई इसके कुछ ऐसे फीचर जो इसको ऐसी है हालांकि देखो एवरेज की अगर हम बात करें तो केवल एवरेज ही इसमें थोड़ा डाउन है। अगर अभी नॉर्मली मैंने फर्स्ट सर्विस की बात करें तो मिनिमम 20-22 का एवरेज अभी मैंने इससे ले चुका हूं। मैं उसके मैंने अपने हिसाब से जो है मेंटेन करके देखा, वो तो बढ़ेगा अभी फर्स्ट सर्विस के बारे में बात करें। ऑन रोड फिर बात करें तो यहाँ पे लोकल में हम लोग हैं, यहाँ पे लोकल पे इतनी बाइक चलानी नहीं है। हालांकि कभी कभार देखें तो चौथा गियर हमारा बहुत मुश्किल से लग पाता है, इतना फास्ट नहीं लग पाता है। और टॉप स्पीड तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आगे जो भी जानकारी चाहिए फुली आपके सामने है, पूरी बाइक है, फुल स्टंट के लिए बाइक है। नहीं भाई, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा फीचर है जो इसको नॉर्मल बाइकों से अलग बनाता है। भाई नॉर्मल बाइक की बात करें तो ये अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो 5 सेकंड में अगर नॉर्मली देखें तो 100 से ऊपर निकल जाती है ये बाइक। अच्छा, आपके ऊपर चलाने के ऊपर बात है कि 5 सेकंड तक आप बाइक के एक्सीलेटर को, गियर को और क्लच को अगर कंट्रोल कर रखते हो तो मेरा मानना खुद का ये है कि 5 सेकंड में 100 से ऊपर निकल जाएगी। अच्छा हाँ, बट रोड भी उस हिसाब का होना चाहिए। वही तो बात है ना सबसे बड़ी, क्योंकि बिना रोड पे अगर नहीं चलाओगे तो आप अगर टूटे फूटे रोड पे चलाओगे तो फिर और उसमें एवरेज भी हमारा जो है खत्म हो जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका जो सबसे बड़ा फीचर मुझे ये लगा, यहाँ पे जो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो की है, हाँ। आपको यहाँ पे हैंडल में यहाँ पे दिया हुआ था स्विच, हाँ। इन्होंने यहाँ पे इनके टैंक के पास में दे दिया है। अच्छा हाँ, और उसकी ज्यादा फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सामने ये यहाँ पे एक फीचर है जो यहाँ पे आपको एलईडी का फीचर यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि जो 200 है ड्यूक 200 बाइक है उसमें आपके लिए यहाँ पे एक हालांकि एलईडी है बट उसमें क्या है एक रेड कलर की लाइट है। अच्छा, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। रेड कलर की लाइट जो है इतना फोकस नहीं ले पाती है। और बात हम अगर इसमें एलईडी की करें तो व्हाइट एलईडी है भाई, ऐसा लगता है नाइट में कि दिन निकल आया हो। अच्छा फास्ट है, आप नाइट में कैसा भी यूज करो। हालांकि कुछ बाइक होती है जैसे उनकी लाइटिंग जो है बढ़िया नहीं होती है। तो किस तरह की लाइट है ये इसमें एलईडी? भाई इसमें अभी तो केवल एलईडी है। अच्छा, आप इसको जब स्टार्ट करोगे बाइक को, अभी स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा हाँ भाई, बाइक स्टार्ट अभी आप देख रहे हो यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं पासिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी आपको ये थोड़ी ही दिख रही है, बट अगर भाई ये नाइट में आपको दिखाएंगे तो नाइट में इतनी स्पीड है इसकी कि आप कोई भी चीज को, पड़ी हुई चीज को आसानी से आप देख सकते हो। अच्छा। जैसा कि मेरा मानना है, मैंने बाइक को चलाया है अभी तक और मैं फुल स्टंट के लिए ही बाइक को यूज करता हूँ। हालांकि मेरे पास दूसरी बाइक है बट नहीं भाई, इसके सामने सारी बाइक मुझे बेकार लगती है। हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि इतने पैसे डाले भाई, 2,68,000 रुपए डाल के आप कोई भी बुलेट ले सकते हो। तो बुलेट भी आपके लिए 350 या 500 सीसी में मिल जाती। बट भाई बुलेट की बात करें और सुपर बाइक की बात करें नहीं, बट आपके लिए जब स्टंट के लिए लेनी है तो फिर बुलेट तो कहीं स्टंट के लिए मेरे लिए कम्फर्ट नहीं हो। और भाई मैं स्टंट करता हूँ तो इसलिए मुझे ये बाइक बहुत ज्यादा बेस्ट लगी। और मेरी नहीं भाई, अगर किसी भी लड़के से आप पूछोगे तो अगर उसके लिए ये बाइक होगी तो ये बाइक उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, तो भाई इसकी चाबी की बात करें तो इसमें किस तरह की मिलती है हमें? तो भाई अगर चाबी की बात करें तो इसमें हमें कुछ इस तरह की नॉर्मल सी की देखने को मिलती है। नॉर्मल की है जैसे और बाइक के हिसाब से क्या होता है उनमें इस तरह से साइड से कट होते लगे हुए। इसका स्विच जो है आप फुली है, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल की है। बट इसमें अंदर की साइड में इन्होंने कट दिया है, कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं बढ़िया है भाई। हाँ। इसकी और अच्छा जो आरसी की बाइक चाबी आती है वो कैसी होती है? मतलब सेम? भाई आरसी की मैंने यूज नहीं की क्योंकि आरसी की बाइक मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हालांकि आरसी की बाइक कुछ लोगों के लिए अच्छी लगती है, वो इसलिए अच्छी लगती है उनके लिए क्योंकि उनके लिए क्या है केवल एक पैशन है। और आरसी की बाइक की बात करें तो इस बाइक में मैंने देखा है कि मैं लगभग 100 किलोमीटर तक आप कभी यूज करो। मैं 100 किलोमीटर ही अभी मतलब ज्यादातर राइड कर पाया हूँ, मुझे 1% कहीं भी थकान महसूस नहीं होती है। और अगर आरसी की बात करें तो यहाँ पे क्या है इसका हैंडल थोड़ा ऊंचाई में है और आरसी की हम जैसे यहाँ पे मैं इस टाइप से आपको बिल्कुल कंफर्ट बैठा हूँ। अगर आरसी की हम बात करें तो आरसी का हैंडल थोड़ा नीचे की साइड में है और उसमें फुल टैंक में रख के आपको इस तरीके से बाइक को यूज करना पड़ता है। तो इस चीज मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगती है। उसके बाद में इसका क्या है कि पूरा हैंडल जो है यहाँ से लॉक होता है, तो ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हालांकि स्टंट वगैरह के लिए नहीं है वो लगती है। हालांकि कभी कभार ऐसा होता है कि मेरी बाइक जैसे ये बाइक है अभी ये गिर जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हालांकि साइड में इसमें ग्रिल लगी हुई है लोहे की और आरसी की जो बाइक है उसमें नहीं लगी हुई है। तो ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा बेस्ट लगती है कि आपकी बाइक कभी धोखे से गिर भी जाती है तभी ये लोहे की साइड यहाँ पे आके आपको कंट्रोल कर लेती है, आपकी कोई भी चीज को डैमेज नहीं होती है। और अगर आरसी की बाइक अगर गिर जाती है तो भाई 10-20 हजार रुपए का तो आप नॉर्मली लॉस मान लो। और वो भी क्या नाम उसमें फाइबर की ऐसी क्वालिटी, पूरा फाइबर ही फाइबर है, बेकार हो जाती है। अगर आपको हैंडल कट करना है तो उसमें लाइट जो है आपकी सामने चली जाएगी, हैंडल साइड से कट हो जाएगा। तो मतलब ऐसे तो अगर आप कभी नाइट में स्टंट कर रहे हैं तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत होती है। और फुली बात कर तो वो केवल नॉर्मली लोग जो है केवल घूमने के लिए ले लेते हैं, वो चीज अलग है। बट भाई मुझे घूमने के लिए नहीं चाहिए थी, मुझे इससे जो है अपना चैनल को भी चलाना है। नहीं भाई, अब चैनल ग्रो करना है तो फिर स्टंट तो जाहिर सी बात है, तभी मैंने इस बाइक को लिया है। अच्छा, कहाँ पे चोट लग गई थी अभी आपके स्टंट करते टाइम? पीछे वाला एबीएस था जो मेरा फेल हो गया था, यहाँ पे भाई मुझे चोट लग गई थी। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब सही है बिल्कुल। नहीं चलो भाई, चैनल के लिए यार इतना तो फिर नहीं, कोई बात नहीं भाई, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा हो जाता ना। अच्छा, एक मतलब घर पे अंकल को मत दिखाना वीडियो। मैं पूछना चाह रहा हूँ आप बाइक कहाँ कहाँ से लग चुकी है आपकी अभी तक? अभी तक स्टंट करते टाइम पे नहीं, बस उसी दिन केवल लगी थी इस साइड से। ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, हाँ इस साइड से यहाँ पे मेरी बाइक जो थी उस दिन गिर गई थी। अच्छा हाँ, ये भी टूट गया, ये पैड था यहाँ पे, इसका लीवर था गियर वाला, ये वाला साइड वाला टूट गया था, ब्रेक वाला ये भी टूट गया था। ये हल्का सा भाई देखो पूरा स्क्रैच हो चुका है इधर से, यहाँ पे एक थोड़ा सा डेंट आया था, यहाँ पे मैंने रेडियम करवा दिया इसके कलर का मैच करवा के, ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि एक पैड यहाँ से टूट चुका था। अच्छा अच्छा हाँ, ये मैं जब सर्विस करवाने जाऊंगा तो यहाँ से मैं इसको चेंज करवा दूंगा। अच्छा अच्छा, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि जब भी मेरी, और यही अगर मैं पूछना चाहूंगा आपसे, अगर यही आरसी होती केटीएम, भाई आरसी होती तो शायद मुझे चक्कर आ जाते, बेहोश हो जाता मैं, भाई सिंपल सी बात है। क्योंकि ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा मुझे कंफर्ट लगती है, इसीलिए मैंने ड्यूक बाइक ली है। क्योंकि फुल ईयर भाई देखा जाए तो गिरने के बाद क्या नाम सिर्फ स्क्रैचेस वगैरह कुछ पता चल रहे हैं, जो स्क्रैच आया वो भी मेरी वजह से आए हैं भाई। क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने सोचा था इसमें जो लेग गार्ड वगैरह लगे होते ना, मैंने वो नहीं लगवाया था, मैंने सोचा इसलिए अभी कर लेता हूँ। लेकिन बाइक का अकस्मात क्या होगा, पीछे वाला ब्रेक का एबीएस जो था फेल हो गया था, उसकी वजह से बाइक मेरी गिर गई थी, इसलिए दिक्कत मुझे हुई थी। वैसे किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, आप नाइट में यूज करो, दिन में यूज करो, आप हाईवे पे चलाओ, लोकल में चलाओ, कहीं भी चलाओ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमें जानना है की इसके आपकी ड्यूक में कौन कौन से फीचर्स आते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने स्विच लगाया इंजन के, यहाँ पे है इसके। अगर यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे सिंपल तो दिख रहा होगा, किल स्विच लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ, ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है। इससे क्या है, मतलब यहाँ पे अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो ये बाइक चालू हो जाएगी, यहाँ पे लिख के आ जाता है एक्चुअल स्पीड जो होती है वो लिख के आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे न्यूट्रल का इंडिकेशन है, यहाँ पे इंजन वाला दिया हुआ है। यहाँ पे मोड की बात करें तो मोड में कई सारे ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे है जो हमारी ट्रिप की हुई है, यहाँ पे 27.7 किलोमीटर चली थी, एंड यहाँ पे ट्रिप 2 भी ऑप्शन है, यहाँ पे 28 किलोमीटर है, ठीक है। एंड यहाँ पे बात करें रोड पे, कभी कभार ऐसा होता है हम बाइक स्टैंड के लिए यूज करते हैं, तो हमें क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हमें मान लीजिए कि हमें अपने ब्रेक को, ब्रेकिंग सिस्टम एबीएस सिस्टम को हटाना है, तो एबीएस सिस्टम हटाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हालांकि बहुत से लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं, यहाँ पे एक सेट का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको क्या करना है थोड़ी देर इसको प्रेस करके रखना है। अच्छा अब ये खुद बता देगा रिलीज बटन, तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा बिल्कुल पास से दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए सुपर मोटो का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, जो यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे। अब ये क्या है कि हमारा एंटी लॉक बिल्कुल जो सिस्टम था हमारा एबीएस सिस्टम वो फ्री हो चुका है। अब अगर आप पीछे वाला ब्रेक यूज करेंगे तो पीछे वाला ब्रेक लगेगा, आगे वाला ब्रेक यूज करेंगे तो आगे वाला ब्रेक लगेगा। भाई ये चीज बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये स्टंट के टाइम पे बहुत ज्यादा काम आती होगी। उसके बाद में हम बात करें भाई, कुछ फीचर इसके मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे, वो है इसमें नाइट के टाइम पे आपको यहाँ पे मैं अगर हल्की सी लाइट में दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, आज ये लाइट जो है यहाँ पे इंडिकेट होती है। अच्छा। जैसे हमारा जो ये प्रॉपर पता लग जाता है हमें किस चीज हमारी जो है, कौन सी लाइट जल रही है, कौन सी नहीं जल रही है, सारी चीजें बिल्कुल है। यहाँ पे हॉर्न के पास में भी इन्होंने यहाँ पे लाइट दी है, मतलब पूरी दोनों साइड हैंडल में। उसका हैंडल तो इतना ज्यादा भाई क्या कहें, इसका कट इतने प्यारे लगते हैं कि आप हाईवे पे कैसे भी यूज करो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अच्छा। हाईवे हो, भीड़ हो, आप कैसे भी किसी तरीके से कट मार लो, बट आपके अंदर थोड़ा हुनर होना चाहिए कट मारने का। ऐसा नहीं है भाई कट मार लिए उसके बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी, मतलब जैसे आजकल एक्टिवा लोग कट मारते घूम रहे हैं वैसा नहीं हो सकता इससे, ऐसा नहीं है। लेकिन भाई आप कट जैसे इच्छा आपकी वैसे मान लीजिए। हैंडल इसको बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, हालांकि होंडा की ड्रीम बाइक है और मतलब कई ऐसी बाइक है जिनमें ऐसी चीजें होती है, बट भाई अगर केटीएम की बात करके तो केटीएम एक खुद की ब्रांड है, वो तो है ही। भाई आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया अपनी बाइक का, और अगर रिकमेंड करेंगे आप औरों को केटीएम ड्यूक लेने के लिए? अगर किसी की स्टंट को कोई बंदा करता है या कोई भी मतलब मेरी तरह बंदा कोई बाइक लेना चाहता है, हालांकि उसके पास में पैसों की कमी, तो वो अगर 250 नहीं ले पाता है, फिर भी अगर वो चाहे तो केटीएम की ड्यूक जो 200 की ना ले तो आप 125 ले लीजिएगा। वो आपको मिनिमम 1,90,000 के लमसम में पड़ जाएगी। फुल स्टंट के लिए बाइक है और बिल्कुल सेम मॉडल है, हालांकि कोई चेंज नहीं है, बस लाइट की थोड़ी डिफरेंट है। अगर हम बात करें इसके 390 की तो 390 में भी बस सेम केवल मल्टीमीटर का यहाँ पे फर्क है और कोई भी मीटर में फर्क नहीं है। अच्छा अच्छा जी भाई। तो भाई अभी तक आपने मतलब कैसा क्या रहा आपका एक्सपीरियंस बाइक के साथ? भाई एक्सपीरियंस जो है अभी तो हमारा भाई एवरेज के चक्कर में थोड़ा भाई हम कम बाइक को यूज करते हैं। अच्छा। हालांकि अगर बात करें तो 15 दिन के अंदर मेरी बाइक जो है लगभग 900 किलोमीटर से ऊपर चल चुकी है। 15 दिनों में? 15 दिन बहुत चला दिया आपने भाई। अब बाइक के एवरेज जबकि बहुत डाउन है भाई तब चलाते हैं, हालांकि स्टंट के लिए ज्यादा नहीं लेके जाते हैं, बट अभी थोड़ी वीडियो शूट करते हैं, ज्यादा नहीं शूट करते हैं। बट सर्विस 2-4 दिन में जब हम करवा लेंगे, इसमें 1000 के बाद में उन्होंने सर्विस करने को बताया था, उसके बाद में आपको फिर से पूरी डिटेल दे देंगे कि इसके बाद जो है सर्विस के बाद में क्या इसका माइलेज आता है, क्या इसका रिव्यू वीडियो लेके आएंगे नहीं कि आपका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है सर्विस में, आपको पूरी रिव्यू दे देंगे। हाँ तो भाई आप लोगों ने देख लिया ये अभी KTM 250 लेने का मतलब कैसा क्या रहता है, किन जैसे लोगों के लिए ठीक रहती है ये बाइक और किसके लिए मतलब कैसा क्या रहता है। तो भाई अभी वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। और भाई मनोहर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। कोई बात नहीं भाई, आपको जब इच्छा तब आपके लिए देने के लिए तैयार है। धन्यवाद भैया। विकास भाई के चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके जरूर बताओ कि वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के बाद थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई।